ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel SAP Vlogs. How you all are doing? Hope all of us are doing extremely very well. So guys, ये video होने वाला है कि how I managed to travel in a train during initial days of COVID-19. मतलब कोरोना वायरस जब नया नया आया था, hardly कुछ cases थे कोरोना वायरस के, तभी मैंने travel किया था मुंबई कोल्हापुर कोयना एक्सप्रेस में दादर से लेके कोरेगांव तक, which is in सातारा डिस्ट्रिक्ट. मतलब मैंने तभी क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे, मतलब मेरे पास तभी प्रॉपर मास्क वगैरह नहीं था, मतलब तभी इतना पता नहीं था कि N95 मास्क या नॉर्मल मास्क वगैरह पहनना पड़ता है. फिर भी मैंने मेरे फेस को एक हैंडकरचीफ से कवर करके रखा था और मैंने अपने साथ एक पॉकेट सैनिटाइजर भी कैरी करके रखा था. मतलब कुछ खाने पीने से पहले मैं वो सैनिटाइजर बार बार यूज़ कर रहा था और ट्रेन के वॉशरूम वगैरह यूज़ करने का भी मैंने वो सैनिटाइजर वगैरह यूज़ किया था. इन फ्यूचर में भी जब भी ट्रेन चालू हो जाए, जब कभी भी ट्रेन चालू हो जाएगी, फिर भी जब हम लोग ट्रैवल करेंगे तभी हम लोग को ट्रैवल करते समय ये सब प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. मतलब ऑलमोस्ट एक साल तक हम लोग को ये प्रिकॉशन वगैरह लेना पड़ेगा, प्रॉपर मास्क वगैरह पहनना पड़ेगा, सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा. सो मैंने कैसे ट्रैवल किया था कोयना एक्सप्रेस में, लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, मैं 11029 मुंबई कोल्हापुर कोयना एक्सप्रेस में ऑन बोर्ड था और मैंने वो ट्रेन दादर से पकड़ी थी और उस दिन कोयना एक्सप्रेस को या मेरा फेवरेट लोकोमोटिव यानी कि पुणे का WDP4 की लोकोमोटिव लगा था और मैंने मुंबई से लेकर कोरेगांव तक ट्रैवल किया था विद इन सातारा डिस्ट्रिक्ट. और मेरा नसीब इतना अच्छा था कि मेरे ट्रेन को जन शताब्दी का AC चेयर कर था और मेरा रिजर्वेशन उसमें था. सो आई वॉज फीलिंग वेरी लकी कि आई गॉट अ चांस टू ट्रैवल इन जन शताब्दी AC चेयर कार. मैं फर्स्ट टाइम जन शताब्दी के AC चेयर कार में ट्रैवल करना चाह रहा हूँ. कुछ डिफरेंस नहीं था, बट थोड़े से इसके वाइड विंडोज थे, नहीं तो नॉर्मल चेयर करके विंडोज थोड़े से छोटे होते हैं जो डेक्कन क्वीन लिवरी के होते हैं. मैंने आपको बोला था कि मैं ट्रेन का फूड रिव्यू दूंगा. सो राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग इन कोयना एक्सप्रेस. सो ये रूट पे ऑमलेट एंड कटलेट वगैरह आते रहते हैं. सो आप टेकन द ऑमलेट विच इज़ अवेलेबल इन टू द ट्रेन, आप देख सकते हो. बट बिफोर इटिंग दिस, सेफ्टी फर्स्ट, बिकॉज अभी कोरोना वायरस का सीन चल रहा है. बट व्हेन यू ट्रैवल, अपने साथ एक सैनिटाइजर और मास्क रखो कि खाने से पहले इसको जरूर यूज़ करना चाहिए. गाइज, अब हमारी कोयना एक्सप्रेस खंडाला घाट सेक्शन यानी कि बोरघाट में आ चुकी है जो करजत और लोनावला के बीच में आता है. और आप देख सकते हो अपना पुणे 4D EMD क्या स्मोक कर रहा है घाट सेक्शन में और ट्रेन सुंदर से टनल्स के उधर से गुजर रही है. आपको ये पूरी जर्नी देखनी है तो मैंने पूरी जर्नी रिकॉर्ड कर ली है, मैंने पूरा अच्छा ब्लॉग बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जरूर चेक करो. और गाइज, एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी आप RF वगैरह करोगे, ट्रेन के डोर पर खड़े रहोगे तो प्रॉपरली एक मास्क नहीं तो क्लीन हैंडकरचीप लगा के खड़े रहो, क्योंकि यू नो प्रिवेंशन लेना चाहिए आपको अच्छे से. अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो सैनिटाइजर वगैरह सब साथ में रखा करो. और ऐसे हम लोगों ने अभी एक सुंदर सा खंडाला स्टेशन डिपार्ट कर लिया और मानसून में इसकी ब्यूटी कुछ और ही होती है, भावना पोसले शिकार. अभी हमारी ट्रेन आदर की कर्व में आ चुकी है और ये पुणे मेरठ सेक्शन का सबसे बेस्ट पार्ट है, आदर की कर्व और दौंडराज कर्व. यहाँ पे ट्रेन पूरी मुड़ती है, आप इंजन और लास्ट कोच को प्रॉपरली देख सकते हो. और ये पूरा डीजल सेक्शन है, सिंगल लाइन डीजल सेक्शन है, आपको यहाँ पे क्रॉसिंग वगैरह भी मिल सकते हैं और मस्त कर्व मिलेगी. मस्त घाट सेक्शन से आपकी मस्त घाट सुंदर से घाट सेक्शन से आपकी ट्रेन यहाँ से गुजरती है और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कर्व मिलेंगे और आपका EMD लोकोमोटिव आपको स्मोक करते हुए मिलेगा. अगर आपको यह सेक्शन में अल्को मिले तो बात ही कुछ अलग है. और इस सुंदर से घाट सेक्शन के थ्रू हमारी ट्रेन देख रही है. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको पूरी जर्नी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके चेक करो. ये जस्ट मैंने एक छोटा सा पार्ट शेयर किया था कि मैंने COVID-19 के इनिशियल डेज में ट्रेन में कैसे ट्रैवल किया था. सो दैट्स इट अबाउट दिस व्लॉग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जरूर लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. सो दिस इज SAP व्लॉग साइनिंग ऑफ. स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.